दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी, एमटीएस और हवलदार की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 11,409 वैकेंसी यहाँ पर निकली है एसएससी के अंतर्गत। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल विज्ञापन के साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए यहाँ पर ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल डिटेल इसमें क्या रहेगी, क्या बाकी का क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस और हवलदार की पोस्ट निकली है। 11,409 वैकेंसी जिसमें निकली है, इसमें एमटीएस के लिए 10,840 वैकेंसीज है, जबकि हवलदार के लिए 529 वैकेंसीज निकली है। बात अगर यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 फरवरी 2023 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 19 फरवरी 2023 है। ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 20 फरवरी 2023 है। करेक्शन की डेट 23 से 24 फरवरी 2023 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की डेट अप्रैल 2023 है। सेली लेवल 1 के अंतर्गत प्रति माह के लिए दोनों पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 और 18 से 27 वर्ष है अलग अलग डिपार्टमेंट और पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। एससी एसटी फीमेल ईएक्स सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश एसबीआई बैंक चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। हवलदार की पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। बात अगर यहाँ पर इसमें एग्जाम पैटर्न डिटेल की जाए तो दोनों पोस्ट के लिए सेम एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सेशन फर्स्ट के अंतर्गत न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ऑल फोर पार्ट्स के लिए यहाँ पर 45 मिनट 60 मिनट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एलिबल स्क्राइब है, जो पारा 8 में आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो, उनके लिए 60 मिनट टाइमिंग है यानी कि 1 घंटा, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 45 मिनट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसी तरह सेशन सेकंड के लिए देख सकते हो जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कंपेरिजन के लिए 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स होंगे, इसके लिए भी 45 मिनट और 60 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। बात अगर एग्जाम सिलेबस की जाए तो आप नोटिफिकेशन से इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का पूरा सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए आप यहाँ से पूरा सिलेबस वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है। उसके बाद में आपको इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करना होगा तो यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर पर रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग इसके लिए पैटर्न दिया गया है, आप यहाँ से पूरा रीड कर सकते हो, यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन के लिए भी यहाँ पर आपको ये पूरा एग्जाम सिलेबस दिया गया है, जो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सिंपल तरीके से चेकआउट कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर फिजिकल डिटेल की जाए तो हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है। यहाँ पर इसमें वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट्स को,
जबकि फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो दोस्तों यहां पर ये इसमें वॉकिंग की पूरी डिटेल दी गई है, साथ ही साथ यहां पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की भी डिटेल है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें हाइट दी गई है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। यहां पर आप देख सकते हो चेस्ट 81 है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए भी हाइट यहां पर 152 सेंटीमीटर है, 48 किलोग्राम वेट है यहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहां पर जो वेट है वो मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, और जो चेस्ट है वो फीमेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं की गई है। तो दोस्तों यहां पर ये फिजिकल की कंप्लीट डिटेल आप पीडीएफ से चेकआउट कर सकते हो, हमने आपको यहां पर डिटेल्स में पूरी जानकारी दिखा दी है। यहां पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल की डिटेल के बाद अप्लाई मोड की अगर बात करें तो यहां पर ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ssc.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रही जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड में हम आपको भी जानकारी देंगे कि कैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आपको पीडीएफ से इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल दिखाएंगे, तो इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार सिविक एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 का एक विज्ञापन है। आवेदन इसके लिए 18/1 से 17/2 तक चलेंगे, लास्ट डेट 17 फरवरी 2023 है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की यहाँ पर लास्ट डेट 19 फरवरी 2023 है, और ऑफलाइन फॉर्म का यहाँ पर जो चालान फॉर्म है उसे जनरेट करने की लास्ट डेट 19 फरवरी है, और ऑफलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट 20 फरवरी 2023 है। इसी तरह यहाँ पर जैसे स्क्रोल डाउन करोगे तो करेक्शन डेट यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन की 23/2 यानी कि 23 फरवरी से 24 फरवरी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अप्रैल 2023 में हेल्ड किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये पूरा टाइम टेबल है इस भर्ती का, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहां पर आपको इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करना होगा तो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। एमटीएस के लिए 10,880 अप्रोक्स है, यहां पर ये घट या बढ़ सकती है। हवलदार जो सिविक एंड सीबीएन के अंतर्गत है इसके लिए 529 टोटल वैकेंसीज यहां पर निकली है। जो इसकी जो कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन होगी ssc.nic.in कैंडिडेट कॉर्नर, उसके बाद में टेंटेटिव वैकेंसी पर भी जाकर आप जल्द ही चेकआउट कर सकते हो। वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ की वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, यहां पर आप नेशनलिटी या सिटीजनशिप चेक कर सकते हो, इंडियन नेशनल, नेपाल, भूटान, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती रहने वाली है, सभी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। मिनिमम यहां पर आयु सीमा 18 वर्ष है, यहां पर देख सकते हो 18 से 25 वर्ष, यानी कि कैंडिडेट्स का जन्म 2/1/1998 से 1/1/2005 के बीच में होना चाहिए, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। 18 से 25 वर्ष एमटीएस और हवलदार जो सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत है उनके लिए है, और जो 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है वो यहां पर हवलदार, आप देख सकते हो हवलदार सिविक डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट एमटीएस की भी है, उनके लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा रहने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। बात अगर यहां पर एज रिलैक्सेशन की जाए तो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल की है, PWBD अन्यजों के लिए 10 साल की है, PWBD OBC के लिए 13 साल की है, PWBD SC/ST के लिए 15 साल की है, EX सर्विसमैन ESM के लिए 3 साल की आयु सीमा में छूट रहने वाली है। और भी कैटेगरी के लिए यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप पूरी एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन इस टेबल से सिंपल तरीके से चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो, हम आपको यहां पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिखाने जा रहे हैं इस पीडीएफ से। तो दोस्तों यहां पर आपको इस पीडीएफ को बाकी की डिटेल्स के लिए और स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे कि यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर 17/2/2023 से क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। यहां पर बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है तो ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, मिनिमम यहां पर 10th स्टैंडर्ड पास कैंडिडेट इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात अगर हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर की जाए तो यहां पर आपको डिटेल पूरी दे दी गई है। इस यहां पर इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आप सिंपल तरीके से इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ssc.nic.in का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आपको विजिट करना होगा। सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी होगी और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस रीड करने होंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो फोटो, यहां पर जो आप अपलोड कर
करोगे ऑनलाइन करते समय जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 के बी के बीच में। यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोग्राफ के साथ में सिग्नेचर साइज भी आपको देखना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर सिंपल तरीके से आसानी से फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकोगे। 17 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करना होगा, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। फीस पेमेंट आपको यहाँ पर 100 रुपये करना होगा जमा, SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन SBI चालान से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट की डिटेल्स यहाँ से चेक करनी है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, और सबसे ऊपर भी PDF में यहाँ पर डेट दे दी गई है कि कब से कब तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो, और विंडो फॉर्म करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हो यहाँ पर भी ये जानकारी दी गई, और कैसे आप करेक्शन कर सकते हो वो डिटेल आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इस PDF से चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर रीजन वाइज आप ये एग्जाम सेंटर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इनका एड्रेस भी दिया गया है, एग्जाम सेंटर और कोड, सेंटर कोड आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और सेंटर में आपको सेंटर रीजन दिया गया है, और यहाँ पर राइट साइड में आपको इसका एड्रेस दिया गया है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले सेंट्रल रीजन के लिए देख सकते हो बिहार और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ईस्टर्न रीजन के लिए अंडमान निकोबार, इसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। कर्नाटका, केरला रीजन के लिए भी देख सकते हो लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला है। यहाँ पर आपको पूरे कोड के साथ में और एड्रेस के साथ में डिटेल्स दी गई है। मध्य प्रदेश रीजन के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के अंतर्गत यहाँ पर ये स्टेट रहने वाले हैं। इसी तरह नॉर्थ रीजन इसके लिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इनके लिए जिले रहने वाले हैं। जिले के अंतर्गत कोड के साथ में आप चेकआउट कर सकते हो। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पंजाब, सभी के लिए। साउथ रीजन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसी तरह यहाँ पर वेस्टर्न रीजन दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, साथ साथ गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ पर ये पूरे एग्जाम सेंटर की डिटेल आपके सामने दे दी गई है। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट डिटेल PDF से पहले भी अपने पोर्टल से दिखा चुके हैं। आप यहाँ से भी एग्जाम सेंटर एग्जाम सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, साथ ही साथ फिजिकल डिटेल जो हम आपको पहले भी इस वीडियो में दिखा चुके हैं वो आप यहाँ से भी सिंपल तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपको इस PDF को बाकी की क्राइटेरिया की डिटेल्स के लिए और स्क्रोल डाउन करना होगा। जैसे ही आप इस PDF को यहाँ पर और स्क्रोल डाउन करोगे तो बाकी की डिटेल्स भी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को और स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी के साथ साथ में फॉर्म फिलअप करने का भी पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में फॉर्म फिल करना होगा। पार्ट वन वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रीड करने होंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन करते समय आपके पास क्या क्या यहाँ पर प्रूफ होना अनिवार्य है, जैसे कि मोबाइल नंबर, OTP, ईमेल ID, आधार नंबर। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपके पास में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल फिलअप करते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिर से लॉगिन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि आपको सबसे पहले उसमें डिटेल भरनी होगी, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर इसमें फॉर्म फिलअप करते हुए भरनी होगी। बेसिक डिटेल के बाद में आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इसमें फॉर्म में फिल करनी होगी। एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पर विजिट करना होगा। उसके बाद में यहां पर पार्ट सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल दी गई है, जिसके अंतर्गत आपको फोटोग्राफ और साथ साथ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 के भी है, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट इसमें रहने वाली है। इसी तरह सिग्नेचर जो स्कैन किए हुए हैं JPG फॉर्मेट में 10 से 20 के भी है इसका साइज, 4.2 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर ये अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपको PDF फॉर्मेट में भी फाइल अपलोड करनी होगी उसकी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आपको ये डिटेल्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पर अगर आपने यहाँ
पर देख सकते हो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लोगे। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे इस पीडीएफ को, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होंगे, एग्जाम सेंटर आपको यहाँ से इसमें चूज कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा और यहाँ पर इस पीडीएफ को स्क्रॉल करना होगा तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको इस तरह से अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे चूज फाइल पर क्लिक करते हुए। इस तरह से आपको यहाँ पर उसके बाद में डिक्लेरेशन सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पर आपको इसमें कैप्चा फिलअप करते हुए प्रीव्यू चेक करना होगा और उसके बाद में फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। यहाँ पर फोटोग्राफ का डिटेल्स दी गई है सैंपल के तौर पर कि कैसे आप फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करोगे, इसी तरह सिग्नेचर की भी डिटेल आपको यहाँ पर इसमें दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस भर्ती के लिए सिंपल तरीके से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो और यहाँ पर जैसे ही आप इस पीडीएफ को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। जैसे कि हवलदार के लिए यहाँ पर वैकेंसीज की पूरी डिटेल दी गई है कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या रहने वाली है, क्या यहाँ पर कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल है, साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की डिटेल है, साथ साथ एग्जाम सेंटर के साथ साथ में यहाँ पर आपको पूरी वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हवलदार के लिए वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको दी गई है। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर ये भरनी होगी, उसके बाद में सेव करना होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होगी, उसके बाद में डिक्लेरेशन सेक्शन में जाकर फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन का ये सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करना होगा और लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। और अगर आप अपना यहाँ पर पासवर्ड या फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो और न्यू यूजर रजिस्टर नो का लिंक यहाँ पर भी दिया गया, आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक है, यहाँ से आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि 18 जनवरी को ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो दोस्तों इस तरह से सिंपल तरीके से आप एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।